नमस्कार मित्रों, हमारे एग्री अकादमी में स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फूलगोभी की उन्नत खेती कैसे करें और उसका मैंने पौधरोपण तक आपको बताया था। आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ कि उसमें सिंचाई कितनी करनी चाहिए, कृषण कौन कौन से क्रिया करनी चाहिए। इसके संबंध में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गोभी जो है एक उथली जड़ वाली फसल है और इसको 12 एकड़ पानी की आवश्यकता पड़ती है। पौधरोपण के पश्चात हल्की सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। यदि वर्षा हो चुकी है या हो रही है तो अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। फूलगोभी वर्ग की सभी फसलों में उथली जड़ें वाली होती हैं। मृदा के अनुसार 12 से 15 इंच पानी की आवश्यकता इसलिए होती है और बीज वाली फसल में फलियाँ बनते समय अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। खेत में पौधों की उचित वृद्धि और विकास हेतु नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होती है। विशेषकर इसमें जब फूल आते हैं उस समय खेत में नमी बनी रहनी चाहिए और सिंचाई सामान्य मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल से करते रहना चाहिए। यदि कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मौसम गर्म है, तो उसको 10 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहें। कर्षण कार्यों में क्या है कि जब फूलगोभी का कर बढ़ता है तो उस समय भार की वजह से पौधे गिर जाते हैं, इसलिए उसमें मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको टॉप ड्रेसिंग यूरिया की जो बताई थी मैंने आपने, जो नाइट्रोजन आपने 120 किलोग्राम नाइट्रोजन थी, जिसमें से आपको 60 किलोग्राम आपने टॉप बेसल रूप में दे दिए, 60 किलोग्राम बची हुई है उसको आप 2 भागों में बांट दिए और एक भाग आप यानी कि 30 किलोग्राम 30 से 35 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में और शेष बची हुई नाइट्रोजन को आप 50-55 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में दे सकते हैं। और उसके बाद में इसमें एक कार्य और करना है कि जब आपने पौधों की रोपाई कर दी हो तो रोपाई के बाद कुछ पौधे मर जाते हैं तो उन मरे हुए पौधों के स्थान पर दूसरे पौधे रोपने को हम प्रतिरोपण कहते हैं या पुनर्रोपण कहते हैं। तो वहाँ पर आप पौधे रोपने के लिए एक टेक्निक आपको बताता हूँ। यदि आप पौधशाला से पौधे लगा के और वहाँ पर रोपाई करेंगे तो ये पौधे आपके लेट हो जाएंगे, जो आपकी सामान्य फसल लगी हुई है उसके साथ तैयार नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जहाँ आपका खेत है उसी खेत में आप रोपाई करते समय कुछ पौधे मेड़ के किनारे, जहाँ पर थोड़ा सा नमी का संचित हो, जहाँ पर जल रुकता हो, वहाँ पर पौधे लगा दीजिए और जहाँ पर आपको पुनः रोपाई करती हैं उन्हीं पौधों को उखाड़ करके फिर उस जगह पर आप पौधे लगा देते हैं तो आपकी जो फसल लगी हुई है समान रूप से उसी अवधि में वो भी फूल देने के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद कहीं कहीं पर पाया गया है कि पलवार का यदि प्रयोग करते हैं, पॉलिथीन का प्रयोग करें और इसमें गन्ने की सूखी पत्ती को पलवार के रूप में डाल दें तो इससे खरपतवार कम उगते हैं और ये नमी संचय रखते हैं और इससे पैदावार में 20 से 25% की वृद्धि हो जाती है। तो जो 2 कतारें होती हैं उन कतारों के बीच में धान की भूसी भी या लकड़ी का बुरादा पलवार के रूप में आप अगर प्रयोग करते हैं, इसकी मोटाई 8 से 10 सेंटीमीटर रखें तो फसल में 10 दिन पहले तैयार हो जाती है, ऐसा प्रयोगों में पाया गया है। वृद्धि नियामकों का भी उपयोग करना बहुत लाभदायक है। पौधों के रोपण से पूर्व NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 10 ppm का घोल बना करके 10 से 15 मिनट तक उनको जड़ों को डुबो के रखिए, उसके बाद रोपाई करिए तो पौधे स्थापित करने में आसानी होती है और पौधे ओजस्वी होते हैं और उनकी मृत्यु दर कम हो जाती है। दूसरा है जिब्रेलिक एसिड 4 और जिब्रेलिक एसिड 7 दोनों का मिश्रण बना करके 80 ppm का घोल बनाएं और उसमें पौधों की जड़ों को डुबो कर रखें और ऐसा करने से परिपक्वता समय में कमी आ जाती है अर्थात फसल पहले तैयार हो जाती है। जिब्रेलिक एसिड 3 ये अधिकतर पौधों में जिब्रेलिक एसिड 3 का ही प्रयोग किया जाता है 40 से 80 ppm का घोल बना करके और इसका छिड़काव पौधों की ऊंचाई और गोभी का जो कर्ण है उसका आकार बढ़ाने के लिए और टोटल पैदावार बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और इससे छिड़काव करने से पौधों में वृद्धि हो जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, क्योंकि ये इसमें जो गोभी के पौधे होते हैं वो काफ़ी चिकने होते हैं और जिस छिड़काव करते हैं तो वो पानी नीचे गिर जाता है तो उसे करने के लिए उसमें सैंडोविट मिलाना बहुत ज़रूरी होता है घोल के अंदर, तो सैंडोविट मिला करके आप छिड़काव करें और सैंडोविट नहीं है तो सर्फ का चूड़ा या साबुन का चूड़ा 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें मिला करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। NAA और जिब्रेलिक एसिड का उपयोग फूलगोभी में वृद्धि नियामक के रूप में करने पर अच्छा परिणाम पाए गए हैं। अब बात आती है फसल सुरक्षा की, तो इसमें कवक जनित रोग होते हैं जैसे आर्द्र विगलन,
इसके लिए बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और ये राइजोक्टोनिया फाइटोप्थोरा पीथियम के द्वारा लगता है, तो यदि आपने बीज उपचार कर लिया है, और इसकी सबसे अच्छा उपाय है आप पौधशाला में सौरीकरण क्रिया करें, क्यारी को सौरीकरण क्रिया के विषय में मैंने आपको टमाटर के पौधशाला जो बता रहे थे उसमें बताया था कि आप क्यारी को अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक ढककर के 1.5 महीने के लिए रखिए, तो उसके अंदर जितने भी जीवाणु हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद यदि उसमें आप बीज बोएंगे तो ये आद्र विकर्ण रोग या उसके बाद जो बीमारियाँ और भी हैं उनका प्रकोप नहीं होता है। दूसरा एक रोग है पर्णमिलानी, जिसमें पत्तियाँ सूख जाती हैं, अल्टरनेरिया ब्रैसिकोला। इसके लिए गर्म पानी में उपचार करके 55 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करिए और उसमें बीज को 15-20 मिनट तक पोटली बांध के डुबो दीजिए, और उसके बाद फिर उसको कवकनाशी दवा से उपचार करके बोइए, तो ये बीमारी कम लगेगी। फसल चक्र अपनाएं, जिनेब या DI-45.25% का छिड़काव करें, और उसके बाद ब्लाइटॉक्स या कापराक्सीक्लोराइड का 0.25 का घोल बना करके 2-5% का करते हैं, तो इस रोग से बचा जा सकता है। पर्ण धब्बा रोग या अल्टरनेरिया ब्रैसिकाई ब्रैसिकोला, इसके लिए भी गर्म पानी का उपचार और कापराक्सीक्लोराइड दवा का छिड़काव लाभकारी है। उसके बाद कालापन, कभी कभी आप देखा होगा कि जो कर्ण होता है वो उसके अंदर काला पड़ जाता है, इसको भी हम बीज को गर्म पानी से उपचार करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। कभी कभी ब्लैक लैग लगती है, ये जीवाणु वाली बीमारी है, और इससे क्या होता है कि पहचान यह है कि इस पत्ती के ऊपर में अंग्रेजी के वी आकार के रूप में पीलापन आता है, और इससे पता लग जाता है कि ये बीमारी है। तो इसको ये बीमारी बैक्टीरिया वाली है, इसके लिए बीज का उपचार गर्म पानी से करें और इसमें जड़ों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 20 ppm का घोल बना करके और उसके साथ में कापराक्सीक्लोराइड का घोल बना करके उसमें जड़ों को 15-20 मिनट के डुबो कर रखते हैं, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। यदि बाद में आपको इस तरह का कोई पौधा खेत में दिखाई देता है तो आप उसको पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके और खेत के बाहर गड्ढा खोद करके उसमें दबा दीजिए, क्योंकि इसका और कोई निदान नहीं है। खेत में हल्की नमी रखें, ज़्यादा नमी होगी तो ये रोग बहुत ज़्यादा फैलता है। इस तरह से काली बेखला है, इसको फोमालिंगम कवक के द्वारा होती है, इसका उपचार भी फसल चक्र अपना करके दूर कर सकते हैं और गर्म पानी के द्वारा उपचार करके इसको दूर किया जा सकता है। मुदगर मूल, इसमें जड़ें मोटी हो जाती हैं और उनमें गांठें पड़ जाती हैं, इसको प्लाज्मोडियम फोरा ब्रिसिकी फंगस के द्वारा होता है, इसमें उचित फसल चक्र अपनाइए कम से कम 3 साल का, और बैनलेट या ब्लाइटॉक्स का छिड़काव करके और ख़ासतौर से पौधशाला में भी और खेत में भी इससे बचाया जा सकता है। चूड़ी फफेदी, ये अधिकतर जो आपकी बीज वाली फसल होती है उसमें बहुत नुकसान करती है, इससे बचाने के लिए आप कैराथिन दवा का 0.06% का घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं, तो आप उससे फसल को बचा सकते हैं। कुछ लोग इसमें सल्फेक्स की भी रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन सल्फेक्स का छिड़काव तब करना चाहिए जब वातावरण का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो, या 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक होगा तो ये फंगस उसको नुकसान करती है फसल को, फसल सूख जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मृदुरोमिल आशिता, इसमें पौधे की पत्तियां कोमल हो जाती हैं और इसमें ये पेरेनोस्पोरा के द्वारा होता है, और इससे बचाव के लिए पौधों पर DI-45 का घोल छिड़काव करें तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। उसके बाद जड़ सड़न रोग या मूल गलन, ये फाइटोप्थोरा के द्वारा होता है, और इसे बीज उपचार आप कर सकें कवकनाशी दवा से 3 साल का फसल चक्र अपनाएं, और उसके बाद में रेडोमिल या DI-45 का 0.25% का घोल बना करके छिड़काव करते हैं, तो अपनी फसल को बचा सकते हैं, और छिड़काव आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है जीवाणु जनित रोग, इसमें काला बिगलन ब्लैक रॉट जेंथोमोनास कंपेस्टिस के द्वारा होता है, और इसमें गर्म पानी के उपचार से इसको आप अपने बीज को बचा सकते हैं, और अच्छा रहे कि आप ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें जिनमें कि ये रोग नहीं लगता है, बीज किसी प्रमाणित संस्था से प्राप्त करें और 3 साल का फसल चक्र अपना करके खेती करेंगे तो आपको इस रोग से बचाव हो सकता है। दूसरा रोग लगता है जीवाणु मृदु विगलन, ये इरिडिया कैरेटोबोरा, और ये भी जीवाणु से होने वाला है, और इसकी जड़ों को आप ये देखेंगे तो इसमें बड़ी सड़न जैसी आती है, बदबूदार होता है, और गर्म पानी से इसका उपचार करके
डिग्री सेल्सियस पानी गर्म करें और उसमें बीज को 10-15 मिनट के लिए डुबो के रखें। उसके बाद छाया में सुखाएं और छाया में सुखाने के बाद फिर कवकनाशी दवा से उपचार करके इसको पौधशाला में बुवाई करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। 3 साल का कम से कम फसल चक्र अपनाएं और खेत में बहुत अधिक नमी ना होने दें, क्योंकि ये दोनों ही बीमारियाँ जीवाणु वाली अधिक नमी की अवस्था में और फाइटोप्थोरा अधिक नमी की अवस्था में ज़्यादा फैलता है। तो खेत में उचित नमी बनाए रखें जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक ज़्यादा नमी खेत में नहीं होनी चाहिए। प्रमुख कीटों में आपके माहू या एफिड, डायमंड ब्लैक मॉस, बड़ी तितली और कुतरा कटवर्म बिहार हेरी कैटरपिलर मुख्य रूप से लगते हैं। तो माहू को बचाने के लिए आप सर्फ पाउडर 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर देते हैं तो उससे माहू से बचा सकता है और ये बीज वाली फसल में बहुत ज़्यादा लगता है। साथ ही माहू को बचाने के लिए आप मैला सहन दवा है 0.1% का घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं, मीडा क्लोर पे 0.1% का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं, या मेटा सिस्टॉक 0.1% का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। डायमंड ब्लैक मॉथ है, इससे बचाने के लिए भी आपको एमिडा क्लोरपेट या सेविन दवा का 0.2% का गोल बना के उसका छिड़काव कर देते हैं तो फसल को बचा सकते हैं। और ये बृहत श्वेत तितली, लार्ज वाइट बटरफ्लाई, इसका जो पीपा, ये जो कैटरपिलर होता है, ये बहुत ज़्यादा हानि करता है और पत्तियों को काट के खाता है, तो इससे बचाव के लिए आप क्लिक्स कार्बोरेल या सेविन दवा का छिड़काव करें या एमिडा क्लोरपेट दवा का 0.1% का घोल का बना करके छिड़काव करते हैं तो अपनी फसल को बचा सकते हैं। कुतरा कीट या कुतरा वर्म से बचाने के लिए आपको खेत में रोपाई से पूर्व 10 किलोग्राम थीमेट प्रति हेक्टर के हिसाब से डालें, या थीमेट नहीं आपको मिलती है तो आप फिरौर दवा 3% ग्रेन्यूल के रूप में मिलती है जिसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से डालते हैं तो इस रोग से आप बचा सकते हैं और 45 दिन तक आपका इसका असर रहता है। बिहार हेरी कैटरपिलर से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि खेत के चारों तरफ आप एक हल्का सा 6 इंची गहरा गड्ढा खोद दीजिए, जिससे कि जो बाहर से आने वाले हैं, और ऐसी जगह पर जिस खेत में आपने पॉपुलर लगा रखा हो वहाँ पर नज़दीक में इस फसल को न लगाएं, क्योंकि ये बिहार हेरी कैटरपिलर पॉपुलर पर बहुत फीडिंग करता है और उस समय वहाँ से उतर के नीचे आता है और उसके बाद फिर दूसरी फसल में फैलता है। तो खेत के चारों तरफ या तो आप गड्ढा खोद दीजिए या खेत के चारों तरफ आप BSC या हेप्टाक्लोर धूल आती है उसको आप डाल दीजिए मेड़ों पर तो उससे में यह आएगा उसके संपर्क में और मर जाएगा। इस तरह से आप बचा सकते हैं, क्योंकि ये दवा छिड़कने से नष्ट नहीं होता, इसके लिए आपको उसको खेत में ना आए उसके उपाय करने ज़्यादा उपयुक्त हैं। अब आप फूलों की तुराई, प्रजाति के अनुसार फूल गोभी के फूल तैयार हो जाते हैं और उनकी तुराई करते हैं सुबह के समय पर, उनकी तुराई करें, तुराई उनके आकार के हिसाब से करें और उसके बाद फिर उनको छोटे बड़े फूल आकार के हिसाब से उनको अलग अलग छांट लें और छांटने के बाद फिर उनको आप बाज़ार को भेज सकते हैं। और एक कटाई होगी जब फूल जाते हैं उसे तेज चाकू से काटें या दराती से काटें और पौधों की कटाई फूलों सहित करें, पौधे को जड़ से उखाड़ लें और जड़ से उखाड़ने के बाद फिर उसकी कटाई फूलों की अलग कर दें और पत्तों की अलग कर दें। इस प्रकार से आप फूलों की कटाई कर सकते हैं और 4-5 पत्तियां उसके साथ छोड़ें, अधिक पत्तियां उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, शेष पत्तियों को निकाल लें। और इसमें एक चीज़ और आती है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग शब्द का मतलब होता है कि कर्ण जो है उसको आपको तेज़ धूप से बचाना है, क्योंकि अगर खुला छोड़ देंगे तो वो तेज़ धूप की वजह से कभी कभी हरे रंग का हो जाता है या उसमें ज़्यादा भूरापन आ जाता है। तो उससे बचाव के लिए आप क्या करें कि प्रारंभ में जो पत्तियाँ उसके ऊपर होती हैं, कुछ वैरायटी हैं जैसे पंत सुब्रा है हमारे, इस वैरायटी में सेल्फ ब्लांचिंग होती है, खुद ही पत्तियाँ उसको फूल को ढके रहती हैं। कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पत्तियाँ ढके नहीं रहती हैं, खुली रहती हैं, तो उन पत्तियों को सूत्री की सहायता से कर्ण को बांधना पड़ता है और जब तक कर्ण तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर उसको खोल लिया जाता है। उपज के हिसाब से ये जो प्रजातियाँ आपकी 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर पैदावार में कमी आ जाती है, क्योंकि उसका कर्ण छोटा हो जाता है और उसके तापमान का बहुत इसके साथ में कोरिलेशन है। ये ज़्यादा तापमान होगा तो फूल आपका छोटा होगा, फूल भूरे रंग का होगा और जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हीट इनर्जी होती है उससे
गबन करता है और उसमें ढीला हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है, पैदावार भी कम हो जाती है। तो जो अगेती प्रजातियाँ हैं उनकी पैदावार 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ठंडे तापमान में शीत रूप में अगर पिछेती प्रजातियों को लगाते हैं तो उनकी पैदावार 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पड़ जाती है और स्नोवाल ग्रुप की पैदावार 250 से लेकर 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। भारतवर्ष में सामान्यतः जो भी गोभी उत्पन्न होती है अधिकांश सब्जी के रूप में काम आती है। कुछ पछेती जो सिनोवाल वर्ग की फूल गोभी है उसका हम भंडारण भी करते हैं और भंडार करने के लिए फूलों को 0 से लेकर 1.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 7 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं शीतगृह में और इसमें आपेक्षिक आर्द्रता 85 से 95% होनी चाहिए और 0 डिग्री सेल्सियस पर आप यदि इनको भंडारण करते हैं तो इनको 40 दिन तक आप शीत भंडारण में रख सकते हैं और इसमें आपेक्षिक आर्द्रता 85 से 95% होनी चाहिए। ये कुछ प्रजातियां हैं जिनके बारे में दिया गया है। ये काशी कुमारी IIVR से निकाली गई है और जिसमें ये अगेती है। बीज की बुआई का समय इसका जून से जुलाई तक दिखाया गया है और पौधों की वृद्धि इसमें वर्षा काल में अधिक होती है और इसका जो फूल है उसका भार 300 से 450 ग्राम और इसकी पैदावार 300 से 350 कुंटल है और ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए अनुमोदित की गई है। अब ये पंचसुबरा है, जनन द्रव्य PPL इससे छांटी गई है। 1983 में इसको किसानों के लिए संशोधित राजकीय प्रजाति अनुमोदन समिति के द्वारा और 1984 में केंद्रीय प्रजाति अनुसंधान अनुमोदन समिति के द्वारा इसकी संस्तुति की गई है। इसमें बाहरी ऊपरी पत्तियाँ की ओर अंदर की ओर थोड़ी मुड़ी हुई रहती हैं, एक कवर करती हैं हल्के से और फूल को ढके रहती हैं। फूल का आकार जो है इसमें गठीला होता है। दूसरी पंत गोभी 2 है, यह एक अगेती प्रजाति है, अनुमोदित पंतनगर से निकाली गई है 1986 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश और राज्य के लिए इसको अनुमोदित किया गया है। उत्तर भारत के सभी मैदानी क्षेत्रों में इसको उगाया जा सकता है और इसके फूल अक्टूबर में उपलब्ध हो जाते हैं और फूल मध्यम आकार के, गठीले, हल्के पीले रंग के, क्रीमी व्हाइट कलर के होते हैं। औसत उपज इसकी 100 कुंटल है। पंत गोभी 3, ये भी 15 से निकाली गई है और इस संकर बीज से तैयार की गई है। इसको 1989 में केंद्रीय प्रजाति अनुमोदन समिति के द्वारा किसानों के लिए अनुमोदित किया गया और इसकी पैदावार 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। पंत गोभी 4, ये 15 से निकाली गई है और इसके फूल 115 से 120 दिन में तैयार हो जाते हैं और इनके फूलों की पैदावार 143 कुंटल प्रति हेक्टेयर दर्शाई गई है और इम्प्रूव जापानी की पैदावार परीक्षण में 119 थी तो ये 119 से और 143 तो इम्प्रूव जापानी जो प्रजाति है उससे अधिक पैदावार देती है और ये 16 दिन पहले तैयार हो जाती है। ये काशी अगहनी प्रजाति है, इसका प्रजनन मध्यम पछेती ग्रुप की है और ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए रिकमेंड की गई है और इसका अनुमोदन केंद्रीय प्रजाति अनुमोदन समिति के द्वारा किया गया है। आशा है आपको आज का ये पसंद आया होगा और इसमें आपका यदि कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।